बहुत सारे लोग इस बिजनेस को हल्के में लेते हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को मजाक में लेते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ये बिजनेस मजाक नहीं है। ये बिजनेस जो है दुनिया का ब्रह्मांड का सबसे बड़ा व्यवसाय है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि एक घर में अगर तीन बच्चे हैं तो जो सेटल है, जो जॉब करता है, उसको लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा सेटल है, और जो निकम्मा होता है, जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, जींस फटा पहनता है, उसको बोलते हैं कि आईएमसी में जोड़ लो। मेरे दोस्त, ऐसे लोगों का आईएमसी बिजनेस नहीं है, ऐसे लोगों का काम नहीं है। ये वैसे लोगों का काम है जिसका मस्तिष्क भगवान ने अलग बनाया है, जिससे खोपड़ी जो है अलग मशीन में बनाया गया है। ये सुनो, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ऐसे लोगों का बिजनेस है जिसका सोच बड़ा है, ऐसे लोगों का बिजनेस है जो जिसके प्रयास फुटी कौड़ी नहीं होता है, लेकिन जगवार का सपना देखता हो। ऐसे लोगों का बिजनेस है जिसके पास एक झोपड़ी नहीं होता है, लेकिन जहाज का सपना देखता है, बड़े बड़े बंगले का सपना देखता है। मेरे दोस्त, अमीर को अमीर बनना आसान है। जिसके पास पैसा हो उसको बोला जाए कोई भी काम कर सकता है, लेकिन आपके जेब में फूटी कौड़ी नहीं हो और बोला जाए कि आप कोई शहर का महान बिजनेसमैन बनना है, सबसे अमीर व्यक्ति बनना है, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, जिस रास्ते का नाम है डायरेक्ट सेलिंग आईएमसी बिजनेस। कोई रास्ता नहीं है। वैसे हम लोग भिखारी थे, कुछ नहीं था, मेरे पास बाइक भी नहीं था। शर्मा जी के पास एक ऐसा गाड़ी था जो गाड़ी आज भी है, एक दिन में चार बार पंचर होता था। उस गाड़ी से हम लोग सफर तय किए थे। वो दिन हम लोग देखे हैं, इस रोड पे सोए हैं तो अच्छा है, ये तो कालीन लगा हुआ है। मेरे दोस्त, आपको आईएमसी बिजनेस मिल चुका है, प्लेटफॉर्म आपको आपके हाथ में आ चुका है। आप बहुत लकी हैं कि बिजनेस आपको मिला है। अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो पहले जुड़े तो कामयाब हो गए, हम बाद में आए हैं। मेरे दोस्त, भगवान जो है, कई लोग बोलते हैं कि मेरे हाथ का लकीर सही नहीं है। शर्मा जी का लकीर तो बड़ा खतरनाक है, आपका लकीर तो बड़ा बढ़िया है। तो मैं बोलता हूं कि अगर आपका लकीर खराब है, आपका भाग खराब है, आपका जिंदगी अगर बिल्कुल खत्म है, तो ऐसे लोग को पकड़ लीजिए जिसका लकीर अच्छा है। बेसनो, मान लीजिए मैं गरीबी का जिंदगी काटने वाला हूं और शर्मा जी का लकीर बहुत अच्छा है, तो पांच शर्मा जी जैसा लोग पकड़ लीजिए ना, आपके कुंडली में से राहु दोष भाग जाएगा, शनि होनी सब भाग जाएगा। तो मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा था कि एक अमीर को अमीर बनना आसान है, एक गरीब को अमीर बनना है तो एक ही बिजनेस है, उस बिजनेस का नाम है। लेकिन होता क्या है, ये मार्केट अंधा है। यहां के लोग जो है उनके सोच में एक ही काम है, और वो काम क्या है, पैसे लगा के बिजनेस करो और अमीर बन जाओ, पड़ोसी को खत्म करो अमीर बन जाओ। मेरे घर के बगल में किसी का तीन मंजिला घर है, भस्मा सूर की तरह देखते हैं कि साला इसका एक मंजिला कब गिरने वाला है। मेरे घर के बगल में किसी ने जगवार ले लिया तो हमारे मन में आता है कि वो जगवार मेरे सीने पर चल रहा है। मेरे दोस्त, दुनिया के एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जहां हम सोचते हैं कि हे भगवान, मेरे नीचे के लोग को अमीर बना दो, मेरे नीचे के लोग को कामयाब कर दो, इतना अच्छा काम कहीं नहीं है। मेरे दोस्त, इस काम के लिए ताली बजना चाहिए कि नहीं? लेकिन गलत कहां पे है, दिक्कत यहां पे है कि मार्केट के 80% लोग इसके उल्टा चल रहे हैं। आपको क्यों स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्यों लोग नहीं मिल रहे हैं, क्यों आप चेयरमैन जल्दी नहीं बन रहे, इसका एक ही कारण है कि मार्केट का हवा उल्टा चल रहा है। लोग इस मार्केट को खराब कर चुके हैं और उसमें से हम ही सभी लोग उसके गुनाहगार हैं। कहीं ना कहीं गलत कंपनी में फंस के हम ही लोगों ने मार्केट को खराब किया है। किसी के सोना का सिक्का बेचवा दिया है, किसी से कुछ करा दिया है, चिटफंड कंपनियों में फंस फंस के अपने करियर को खराब कर लिए और इस मार्केट को भी खराब कर दिए। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग का जन्म भारत में अब हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग का जन्म भारत में अब हुआ है। जोर से बोलिए, कब हुआ है? अब हुआ है। शुरुआत अब हुआ है, आगाज अब होने जा रहा है। मेरे दोस्त, 2016 के बाद से इसका जन्म हुआ है। बच्चा अभी बहुत छोटा है, 5 साल का है, दांत निकलने शुरू हुए हैं।
जिस दिन 18 साल का हो गया, मैं बता दूं यहां पे बैठे हुए हर एक इंसान अगर टिक गया तो सबके पास करोड़ों की गाड़ी होगी और सबके पास चार्टर प्लेन होगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपसे मैं वादा कर रहा हूं। जिसको दिखता है वही तो समझता है मेरे दोस्त। जिस तरह शरीर को चलाने के लिए विटामिन की जरूरत होती है, जिस तरह इस शरीर को चलाने के लिए विटामिन की जरूरत होती है, उसी तरह इस दिमाग को चलाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत है। खाली खा के नहीं मरना है। जिस तरह शरीर को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है, उस तरह बड़ा सोच के माध्यम से दिमाग को, ब्रेन को हम अच्छा कर सकते हैं। मेरे दोस्त, चिंदी चोर बन के जीना है तो कोई भी काम कर लो। इस शहर में जितने भी लोग हैं वो आपके पेट को पालने के लिए पैदा हुए हैं। भगवान ने आपको राजा बनने के लिए भेजा है। ये सुनो, कोई केला बेच रहा है, कोई सेब बेच रहा है, कोई सूज पॉलिश कर रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई होटल खोला है, कोई रेस्टोरेंट खेला है, आपके सेवा के लिए बनाए गए हैं। आप राजा हो, आपका दिमाग अलग मशीन में बना है। मेरे दोस्त, आप हाईब्रिड हो, आप दुनिया में सबसे अलग हो। क्या इसी तरह जीना चाहते हम लोग? मेरे दोस्त, दुनिया में एक काम बता दो जो कोई एक काम करके आपको सब फायदे मिलते हो, कोई जानता है? दुनिया में एक काम बता दीजिए जहां पे एक काम करने से कई फायदे मिलते हो। नहीं मिलता है। एक दारू बेचने वाला जेस बेच के पैसा कमा लेगा, एक दारू का भट्टी कोई खोल दे पैसा कमा लेगा, लेकिन बेटा ड्रिंकर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? फैक्ट्री के मालिक बन जाएंगे, सम्मान नहीं मिलने वाला है। किराना दुकान चला के पैसा कमा लेंगे, टाइम नहीं मिलेगा आपको। लेकिन एक काम करने से अगर दुनिया में सब कुछ पाना है तो मात्र एक ही काम है, उस काम का नाम है INC बिजनेस। ये सुनो, आज मुझसे कोई बोल दे, आज मुझसे कोई बोल दे कि एक तरफ बिजनेस, एक तरफ पूरा संसार, तो मैं संसार छोड़ने के लिए तैयार हूं लेकिन डायरेक्ट सेलिंग छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे दोस्त, मैं दिखाऊंगा ये बिजनेस क्यों करना है। जिस दिन आपको पता लग गया कि इस बिजनेस को करने से क्या क्या मिलने वाला है, आप रात को सो नहीं पाओगे। जिस दिन रात में सपने आपको आने शुरू हो गए, नींद चैन सब उड़ गया, समझिए कि आप करोड़पति बनने वाले हो। ये सुनो, 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग। एक बार ताली बजना चाहिए जोरदार। और उसी बिजनेस में है हम लोग का भाग, अच्छा है, आ चुके हैं और आगे बढ़ाओ। सेल के दो तरीके होते हैं, सबको पता है, होते हैं कि नहीं होते हैं? जोर से बोलिए। अमेरिका, चाइना, जापान, मलेशिया, जितने भी विकसित कंट्री है वहां के लोग इनडायरेक्ट सेलिंग को छोड़ चुके हैं। उनके हाथ से लेके, उनके शरीर से लेके, सभी के शरीर पे जो होता है वो डायरेक्ट सेलिंग के ब्रांड लगे होते हैं, कोई फ्री में कुछ नहीं बोलता है। लेकिन हिंदुस्तान में होता क्या है? घड़ी दूसरे का, जूता दूसरे का, खाना दूसरे का, शैंपू दूसरे का, साबुन दूसरे का, और पैसा कहां से चाहिए? IMC से। नहीं मिलेगा आपको, उसको फेंकना है। आज के बाद कसम खाना है कि तेल नहीं होगा, बिना तेल का सब्जी खाएंगे लेकिन प्रोडक्ट किसका यूज करेंगे? साबुन नहीं होगा, नहीं लगाएंगे लेकिन साबुन किसका लगाएंगे? मेरा एक दोस्त था, उसके घर में खाना बन रहा था, मैं उसको प्लान देने गया, प्लान दे रहा था, बीबी ने कुंडी बजाया, दोस्त बोला सर मैं आता हूं, बीबी बोली कि सब्जी चढ़ाए हूं, नमक खत्म हो गया है, बोला कि सर 5 मिनट बैठिए मैं नमक लेके आता हूं, 15 किलोमीटर बाइक लेके गया, नमक लेके आया और वाइफ को दिया, वाइफ दोबारा सब्जी चढ़ाई और सब्जी बनाना शुरू की। मैं बोला कहां गए थे? बोला नमक खत्म हो गया था, पिकअप सेंटर गया था। हम बोले कि 15 किलोमीटर सर नमक खाता हूं कि खून भी का बनेगा। वो व्यक्ति आज IMC में ज्वाइन कर चुका है, वो पैसा नहीं कमाता था लेकिन बोला कि जहां से पैसा आता है उसी का नमक खाना चाहिए। ये सुनो, क्योंकि आपके शरीर में जो खून बनता है उसी का तो बनता। मेरे दोस्त, आप एक गलती करोगे तो आपका टीम 10 गलती करता है। सोचिए कि एक प्रोडक्ट आपके घर में नहीं है, आपने सोचा कि नीचे से जाकर ले लेता हूं, और आपके टीम में 20 लाख लोग हैं, यही क्रम अगर सब लोग चालू कर दिया तो आपका सेल जो है कम से कम करोड़ों का सेल कम हो जाएगा।
तो आप सोचो कि जितना जल्दी हो सके उसको खपत करो, तेल दबा के डालो, नमक दबा के डालो, मसाले जम के डालो, जल्दी खत्म करो। मैं तो करता हूं ये से नो। मेरे दोस्त हम सभी को छोड़ना है, पुराना परंपरा हो गया है, मेरे पिताजी ने यही किया था, उनके पिताजी ने यही किया था, उनके पिताजी ने वही किया था और आप भी वही कर रहे हो। हमने छोड़ा ऐसे 7 साल पहले, इस सिस्टम को भगाया अपने जीवन से और आज देखिए इस डायरेक्ट सेलिंग को दामन को थामा और आज आईएमसी के माध्यम से लगभग 50 लाख के मंथली में ले रहा हूं सिर्फ एक सिस्टम बदलने से। तो बदलने के लिए तैयार है? लोग को यही बदलना है, यही बताना है, बदलने के लिए तैयार है? तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ पैसा के लिए आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए सेल के तरीके, सप्लायर, डीलर, होलसेलर, एड, मीडिया, ब्रांड एम्बेसडर, बैनर, हुडिंग, पोस्टर, सभी लोग बीच वाले खाते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? जोल बोल से और से बोलिए, दलाल बोलते हैं। जो दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट आप खाते हैं और बीच में जो होता है वो कौन होता है? जोर से बोलिए। हम कहां से प्रोडक्ट लेते हैं? दलालों से। कहां से लेते हैं प्रोडक्ट? आप खाते हो और बिल्डिंग किसका बनता है? यानी 20 का प्रोडक्ट कितना में बिकता है? 100 में। जोर से बोलिए, 100 में। और अमीर कौन बनता है? और यही हमारे पीढ़ी के लोग कर रहे थे और दिमाग में जो है पैटर्न जो हमारा बिगड़ चुका था। अमेरिका के, चाइना के, जापान के, मलेशिया के, थाईलैंड के लोगों ने सोचा, उनके मन में विचार आया कि हम दूसरे को अमीर बना रहे हैं, अगर इस सिस्टम को हम तोड़ दें और डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट हमको मिलना शुरू हो जाए और बीज का पैसा हम ही को मिलना शुरू हो जाए तो अमीर कौन बनेगा? ये से नो। तो आईएमसी ने सोचा हम अमीर को अमीर, जोर से बोलिए ना, हम अमीर को अमीर, हम गरीब को अमीर बनाएंगे। ये से नो। हमारे जितनी भी एसआर है सब यहां बैठे हुए हैं, हमको दूसरे को नहीं बनाना है तो आईएमसी करना चाहिए कि नहीं? तो मेरे दोस्त इस बिजनेस को करने से क्या क्या मिलता है मैं फटाक से आपको बताता हूं। देखना चाहेंगे आप लोग? देखना चाहेंगे? और देखने के बाद रात को आप सो गए तो फिर हमको कल बताइएगा आप, नींद आपका मैं हराम करने वाला। तैयार है? अगर आपने आईएमसी के दामन को थाम लिया, अगर आईएमसी के दामन को थाम लिया तो आईएमसी का प्रोडक्ट बनता है, डायरेक्ट सूरत में पहुंचता है, बीज का 80% जो है हमको मिलता है। लेकिन एक और चीज मिलता है, जानना चाहते हैं क्या मिलता है? आईएमसी ने एक वृक्ष आपको दिया है, एक पौधा आपको दिया है। देखना चाहेंगे? ये मामूली पौधा नहीं है, ये पौधा जो है, पौधा तो एक है लेकिन एक पौधा पे कई तरह के फल निकलते हैं। खाना चाहेंगे आप? एक पौधा फल कितने? पौधा एक फल, पौधा एक बोलता ही नहीं भाई, पौधा एक, एक पौधा से कई तरह के फल निकलते हैं। खाना चाहेंगे? सिर्फ एक बार पानी देना है। कितना बार पानी देना है? 6 महीना आपने पानी दे के सींच दिया, 6 महीना अपने पसीना से सींच दिया इस पौधे को, तो आप भी खाओगे, आपका बेटा भी खाएगा, उसका बेटा भी खाएगा, आपके रिलेशन के लोग भी खाएंगे, आपके गांव के लोग भी खाएंगे, फिर भी खत्म होने वाला नहीं है। लेना चाहेंगे? लेकिन बहुत सारे लोग पौधों को लगाते हैं और दूसरे दिन फल का इंतजार करते हैं, वो नहीं मिलने वाला है। 1 महीने के पौधे को तोड़ के खा जाते और बोलते हैं कि सलाह एमसी ने कुछ भी नहीं दिया मुझे। मेरे दोस्त पालना पड़ता है। तैयार है? तो देखिए यही पौधा है जो पहला फल मिलता है, वो देखिए क्या मिलता है। पहला फल मिलता है पैसिव इनकम। इस बिजनेस में हम क्यों आए हैं? जोर से बोलिए, इस बिजनेस में इसलिए आए हैं कि काम एक बार और पैसा, जोर से बोलिए, काम एक बार और पैसा। ऐसा कोई बिजनेस है? एक दुकानदार दुकान खोलता है, दुकान बंद तो पैसा बंद। बाढ़ आए, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, इसका प्रमाण कोरोना है। 1.5 साल से घर में है और नोट का नोट गिरते जा रहा है,
पूछिए सबसे, घर में बैठ रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, सूप पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं और बंडल का बंडल पैसा गिर रहा है। कोई बिजनेस में आपने देखा है? काम करेंगे तो और मिलेगा, नहीं करेंगे तो और मिलेगा। एक ही बिजनेस है, उसका नाम है IMC बिजनेस। एक बार ताली बजना चाहिए। इस बिजनेस में हम इसके लिए आए हैं कि एक बार मेहनत कर देंगे, एक बार अगर मेहनत कर दिया तो पूरा जीवन का मजा जो है आपको एक ही दो साल तीन साल में मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा है कि नहीं? तो इस जवानी में सफल हो जाइए, कम एज में सफल हो जाइए। 50 साल पत्थर नहीं तोड़ना है, मात्र 1 साल तोड़ना है। तैयार है? तैयार है? दूसरा फल मिलता है फैमिली सुरक्षा। मेरे दोस्त आज है तब का बच्चा बोलता है कि मेरे पापा आने वाले हैं, मेरा भाई आने वाला है, मेरा बेटा आने वाला है। आपकी मां बोलती है यहां से जाने के बाद कहीं भी जा रहे हैं, इस लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है, लाखों लोग चले गए हैं और कोई रहने के लिए नहीं आया। अगर बच्चों के सामने इस दुनिया में हम नहीं रहे तो वही बच्चा जो है जिसको प्यार करते हैं उसके हाथ में कटोरा होगा और म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में जाके खिचड़ी के लिए लाइन में लगेगा। वही मां जिसने आपको पैदा किया है, दूसरे के सामने आप रोड पे जाते हैं और बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि आपके गाड़ी के कांच को पीटते हैं, आपके गाड़ी को साफ करते हैं, सिक्का सिक्का के लिए तरसते हैं। ऐसे नो क्या चाहते कि मेरे परिवार में ऐसा घटना हो? जोर से बोलिए ना। नहीं बोलेंगे तो आप चाहते हैं, बोलेंगे तो नहीं चाहते हैं। क्या आपसे चाहते हैं ऐसा? नहीं। अभी भी नहीं है भैया। क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ेगा। रहेंगे तभी आएगा, नहीं रहेंगे तो। जोर से बोलो ना यहां, रहेंगे तभी आएगा, नहीं बोलेंगे तो। आज मेरा बेटा 7 साल का है। आज वो जब मैं रिटायर करूंगा इस IMC बिजनेस से, जिस दिन 18 साल का होगा, 11 साल बाद मैं वादा कर रहा हूं उसका इनकम 5 करोड़ से कम नहीं रहेगा। मेरा वचन है, मेरा वादा है, महीने का 5 करोड़। वो बोलेगा कि साला दुनिया में ऐसा पापा सबको मिलेगा। आज हमारे टीम में बहुत ऐसे लोग हैं, हमारे IMC में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने IMC के दामन को पकड़ा, थामा, इस दुनिया में नहीं भी रहे फिर भी उनके घर में पैसा जा रहा है। तो आप करना चाहेंगे कि नहीं? एक और फल मिलता है एक ही काम करने से, और वो फल है मनी फ्रीडम। बहुत सारे लोगों को शुगर क्यों हो रहा है बताएं? पैसा का टेंशन है, MI भरना है, ये करना है, वो करना है। मेरे दोस्त IMC में जिस दिन सफल हो जाओगे, आज 7 साल हुआ मुझे ATM से बैलेंस चेक किए हुए, 7 साल हो गए। कई सारे लोग ऐसे हैं जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं कहीं नहीं गए, सूरत का चौहद्दी को नहीं पार किए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरे दुनिया घूम रहे हैं। और मैं भी आज IMC के माध्यम से इस पृथ्वी का चक्कर लगा चुका हूं। ये सुनो, अगर IMC में रहोगे आप तो पूरा संसार जो आपका है, ये मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर सब आपका है। तैयार है? एक और फल मिलता है क्यों IMC करना चाहिए, कि आपका खुद का बिजनेस है, ये दूसरे का बिजनेस। जोर से बोलो ना यार, दूसरे का बिजनेस ये हमारा बिजनेस है, आपके अपलाइन का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और फल मिलता है। यहां जितना चाहो उतना इनकम लो, 1 लाख कमाना है 1 लाख कमाओ, 10 लाख लेना है 10 लाख लो, 50 लाख चाहिए 50 लाख मिलेगा, 5 करोड़ चाहोगे 5 करोड़ मिलेगा। इसमें आपका फिक्स पगार नहीं होता है, इसलिए हमको IMC करना चाहिए। ऐसे नो और आगे भगाओ। यहां एक और फल मिलता है और वो है लग्जरी लाइफ। आपका जीवन जो है 70 डिग्री पे बदलता है। आप जो है झोपड़ी से निकल के आलिशान घर के मालिक बनते हो, और मेरे दोस्त वही झोपड़ी आपको पसंद नहीं आता है, गुजरने के बाद जो है लगता है कि हम नरक में थे। ऐसे नो तो आज बहुत सारे लोग के साथ हुआ है, इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए। ऐसे नो हम आगे बढ़ते हैं। एक और फल मिलता है, सबसे पुण्य का काम है। कोई नहीं चाहता है कि मेरे गांव के लोग, मेरे भाई, मेरे पटीदार, मेरे पड़ोसी अमीर बन जाए, लेकिन ये दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है कि लोगों को आगे बढ़ाने का काम है, लोगों को आगे बढ़ाने का काम है, लोगों को सपोर्ट करने का काम है, लोगों को जिंदगी बदलने का काम है। आज इन सभी लोगों ने लोगों का जीवन बदला है।
एक और फल मिलता है और वो फल है लोगों का देने वाला काम, और देने वाले का हाथ कहां पे होता है और लेने वाले का, तो बड़ा कौन हुआ? ताली बजा लो अपने लिए। एक और फल मिलता है एक ही जन्म में, कई जन्म का काम। कई लोग बोलते हैं कि सातों जन्म में आप ही के घर में पैदा होंगे, ऐसा लग कोई नहीं देखा। मेरे दोस्त एक ही बार जीवन मिलता है और एक ही बार आईएमसी मिलता है, ऐसे नो दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो मेरे दोस्त कई जन्म का काम जो है इसी जन्म में करना हो तो आपको आईएमसी बिजनेस करना पड़ेगा। और एक और फल मिलता है और वो फल है कि दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का प्लेटफॉर्म, कितना भी कोई करोड़पति हो ये मंच उसको नहीं मिलने वाला है। कितना भी पैसा वाले हो ये बैठ के आप उसके लिए ताली नहीं बजा सकते हो। अचीवमेंट बोलता है दुनिया के सामने, चाहे शक्ल खराब हो, सूरत खराब हो, लंबाई हो, नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, आंख नहीं हो, कान नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, लोग आपके लिए ताली बजाते हैं, आपको सम्मान मिलता है। तो ये प्लेटफॉर्म अगर पाना है, यहां पे आना है कि लोग आपको, लाखों लोग सुने, तो आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें भी आईएमसी बिजनेस। कि आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जाते जाते मैं बोलता हूं कि बार बार सिस्टम नहीं मिलता है मेरे दोस्त, आपके भाग्य में था, मेरे भाग में भी था और आपके भाग में है। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था तो आज यहां पे नहीं होता। एक ही चीज बोलता हूं, जो मिल गया उसे अपने आप को दुनिया का सिकंदर समझो। क्यों डरते हैं गम के तूफानों से, दुनिया को लहरे अपने आप को समंदर समझो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। गुड एमसी।